वाला कांग्रेस की बड़ी हकीकत। मैसेज में शुरुआत में ही लिखा है, नेहरू की लड़की इंदिरा नेहरू ने निकाह किया फिरोज जहांगीर खान से, लड़का हुआ राजीव फिरोज खान, लड़के ने मैरिज की एंटोनिया माइनो सोनिया से, लड़का हुआ राहुल राजीव खान। फिर यह बड़े हैरानी की बात है कि गांधी खानदान आखिर कैसे बने। आइए जानते हैं, कांग्रेस का जन्म आज से 132 साल पहले अफगानिस्तान में हुआ था। गाजी खान ने अंग्रेजों के साथ मिलकर यह पार्टी बनाई थी। आपको बता दें, गाजी खान के तीन लड़के थे, सबसे बड़ा फैजल खान, दूसरा सलीम खान और सबसे छोटा मोइन खान, यानी बाद में हिंदुओं को भारत से मिटाने के लिए बना नकली हिंदू मोतीलाल नेहरू। पहला फैजल खान एक बीमारी की वजह से 14 साल की उम्र में ही मर गया। दूसरा सलीम खान शादी के बाद कश्मीर में रहने लगा। आपको बता दें, उसी सलीम खान के वंशज की औलाद आज कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला है, जो कांग्रेस के साथ है। अब बात आती है गाजी खान की। गाजी खान ने चुनाव लड़ा पर कभी जीता नहीं। गाजी खान के मरने के बाद तीसरा मोइन खान फायदे के लिए हिंदू बनकर अपना नाम मोतीलाल नेहरू रख लिया, पर वो भी कभी चुनाव नहीं जीता। तीसरा उसके बाद मोतीलाल की औलाद जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के साथ मिलकर रणनीति बनाई कि जब अंग्रेज 1947 में देश छोड़े तो देश का बंटवारा करके जिन्ना को पाकिस्तान का पीएम बनाया जाएगा और नेहरू को इंडिया का पीएम बनाया जाएगा। पर सरदार पटेल को पीएम बनाना चाहती थी और महात्मा गांधी ने नेहरू का साथ दिया, इसलिए गांधी हत्यारा मराठा नाथुराम गोडसे गांधी के खिलाफ था, लेकिन नेहरू को पीएम बना दिया गया था। नेहरू की बेटी इंदिरा फिरोज खान से निकाह करके फिर से मुसलमान बन गई, पर महात्मा गांधी ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इंदिरा को अपने नाम के आगे खान की जगह गांधी लगाने को कहा। उसी दिन से ये गांधी का नाम लगाकर देश को लूट रहे हैं। फिरोज खान के बाद राजीव खान, उसके बाद सोनिया खान और अब राहुल खान। इस पोस्ट को इतना शेयर करो कि इस नकली गांधी परिवार की असलियत सभी को पता चले। आज सबूतों के साथ देखिए कि किस तरह धर्मनिरपेक्षता के बहाने आम हिंदुओं का पैसा कांग्रेस मुसलमानों में बांट रही है, ताकि उसका वोट बैंक और मजबूत हो सके। और सेक्युलर हिंदू आज भी अनजान है, गुलामों की तरह देशद्रोही पार्टियों को वोट दे रहे हैं। हमने आपको कांग्रेस की पूरी हकीकत तो बता दी, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पहले हमारे इन सवालों का जवाब जरूर दें। जब पाक अधिकृत कश्मीर बना तब सरकार किसकी थी? जब मुंबई पर हमला हुआ तब सरकार किसकी थी? जब चाइना में जमीन हड़पी तब सरकार किसकी थी? जब वीर सैनिकों के सर काट के पाकिस्तान ले गए तब सरकार किसकी थी? बोफर्स का घोटाला हुआ तब सरकार किसकी थी? सैनिकों की वर्दी का पैसा खा गए वो सरकार किसकी थी? सरदारों का कत्ले आम किया वो सरकार किसकी थी? शिमला का समझौता कर देश बेसकीमती जमीन पाक को दे दी गई तब सरकार किसकी थी? आसाम में हिंदुओं का खून बहा तब सरकार किसकी थी? कश्मीर पंडितों को मारा गया तब सरकार किसकी थी? कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ तब सरकार किसकी थी? कोयला घोटाला हुआ तब सरकार किसकी थी? 2G का घोटाला हुआ तब सरकार किसकी थी? दूरदर्शन के लोगों से सत्यम शिवम सुंदरम हटाने वाली सरकार किसकी थी? भारतीय मुद्रा से सत्यमेव जयते हटाने वाली सरकार आखिर किसकी थी? वंदे मातरम का अपमान किया आखिर वो सरकार किसकी थी? एक नज़र परिवार के कारनामों पर। इंदिरा गांधी के रास्ते में आने वाले लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में रहस्यमय हालत में मौत हो गई। ये एक बड़ा सवाल है। आगे और भी ऐसे बहुत से बड़े सवाल हैं जो आपके मन में आज तक पैदा ही नहीं हुए। गौर से सुनिएगा इन प्रश्नों को। नेहरू के लिए खतरा बन रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीन दयाल उपाध्याय की हत्या कर दी गई और पुलिस ने आज तक इस साजिश से पर्दा नहीं उठाया, क्यों? राजीव गांधी के लिए चुनौती बन रहे वीर बहादुर सिंह की पेरिस में मौत हो गई, जबकि उनके हृदय में कोई समस्या नहीं थी, आखिर कैसे हुई मौत? सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की दो लोगों ने हिम्मत की, राजेश पायलट और जितेंद्र प्रसाद। राजेश पायलट की कार को एक रहस्यमय ट्रक टक्कर मारकर गायब हो गया, इसका खुलासा आज तक क्यों नहीं हुआ? और जितेंद्र प्रसाद बरेली के सर्किट हाउस में ही मर गए, आखिर कैसे मरे? इसके पहले सोनिया को चुनौती देने वाले सीताराम केसरी को भी पार्टी से भगा दिया गया। राहुल गांधी के लिए खतरा साबित हो रहे माधवराव सिंधिया एक
प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए, जबकि उनका प्लेन ब्रांड न्यू था और उसमें कोई समस्या नहीं थी और उसमें किसी भी मौसम में उड़ाने वाला सिस्टम भी लगा हुआ था। कांग्रेस और विदेशी कंपनियों के लिए खतरा बन चुके राजीव दीक्षित की मौत हो गई। मृत्यु के बाद उनका शरीर काला पड़ गया, जो केवल जहर या करंट देने के बाद होता है। राजीव भाई की मृत्यु की खबर किसी भी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाई। आखिर क्यों? मित्रों, आखिर इतने पवित्र परिवार को किस देवता का आशीर्वाद मिला हुआ है जिससे कि जो भी इनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाता है या रास्ते में आता है उसकी रहस्यमय हालत में मौत हो जाती है। संविधान की धारा 30A के तहत विद्यालयों में गीता रामायण पढ़ाना प्रतिबंधित है। मदरसों में कुरान और ईसाइयों में बाइबल पढ़ने की छूट क्यों है? मंदिरों और तीर्थ स्थानों के चढ़ावे पर सरकार 70% हक लेती है और उसके साथ साथ सरकारी अनुदान भी। आखिर क्यों बाबा अमरनाथ की यात्रा पर सरकार को टैक्स, लेकिन हज यात्रा पर सब्सिडी? आखिर ऐसा क्यों? धर्म निरपेक्षता को मारो। इच्छा है तो इस मैसेज को आगे बढ़ाओ, वरना खुद को हिंदुस्तानी मत कहलाओ। भारत माता की जय। वंदे।